हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं कुछ डिफरेंट शेयर करने वाली हूँ। इस व्लॉग पे मैं थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ। जिस दिन इवान, जो कि मेरा बेटा है, वो पैदा हुआ था, तो उसका भी बर्थडे आने वाला है, डैट इज़ ऑन 28th of August। उस दिन वो 2 ईयर्स का हो जाएगा। सो उसके बर्थडे के लिए मैंने ये छोटा सा एक स्पेशल सा व्लॉग बनाया है उसके लिए। गाइस, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए कि इवान का बर्थ जर्नी। हेलो, राइट नाउ आई एम इन डिलीवरी रूम एंड अभी मुझे ऑक्सीटोसिन चढ़ाने वाले हैं थोड़ी देर बाद, सो दैट आई गेट अ लिटिल बेबी। बाय। द नेक्स्ट डे क्या बोलूँ, माय आई एम गोइंग टू डिलीवर माय फर्स्ट बेबी इन 15-20 मिनट्स। I'm very restless right now because since yesterday I'm sitting like in this position only and drips are going on. My whole body is itchy because of this induced labor. I'm just desperately waiting for the baby to come out. ये मेरा डिलीवरी रूम था और मुझे, मैं जब तक डिलीवरी रूम पे थी, मुझे एक डेडिकेटेड मिडवाइफ को भी प्रोवाइड किया गया था। ये यूके का नियम है कि आपको एक डेडिकेटेड मिडवाइफ दिया जाता है जो कि कंटिन्यूसली मुझे हर 5 मिनट्स में आके मॉनिटर कर रही थी। आई जस्ट लव दिस सर्विस इन NHS। He's crying. Let's have some delayed cord. Yeah. He's got a lovely juicy cord, hasn't he? He has. Oh, congratulations. Happy birthday, darling. That was a What's very gentle birth. Right? Thank you. Thank you so much. Oh, maybe I'm just doing delivery. इस समय मुझे OT लेके गए थे क्योंकि मुझे 3rd degree tear हुआ था ड्यू टू नॉर्मल डिलीवरी। सो ऐसा हुआ था कि इवान के जस्ट पैदा होते साथ ही उसको बस मैंने 2 मिनट हक किया, उसके बाद ही लोग मुझे OT लेके चले गए थे। और इस समय इवान अकेले था अनर्बान के साथ। मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जैसे ही मैं OT से बाहर आई, मुझे इवान को दिया उन लोग ने, फिर 10 सेकेंड बाद जो पेडियाट्रिक्स डॉक्टर है वो लोग आए और आके इवान को चेक किया, तो लोग ने बोला कि उसका शुगर लेवल काफ़ी लो है, सो वी हैव टू टेक हिम टू द NICU। सो ये रहा NICU में इवान। ये Day 2 है जिस दिन मैं इवान से मिलने गई थी, बिकॉज आई वॉज अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स, उसके बाद ही मैं इवान से मिलने जा पाई थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि इवान को जॉन्डिस हो गया, तो उसको फिर इनक्यूबेटर में रख दिया था। ये भी Day 2 का ही वीडियो है और मैं बहुत दुखी थी उस दिन। Day 3 में मुझे डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से और हमें बोला था आप लोग घर चले जाओ और इवान NICU में रहेगा। सो फिर हम लोगों ने देखा कि NICU में स्पेशल पेरेंट्स रूम रहता है, उन लोग ने हमें बोला कि अगर आप लोग बहुत दूर रहते तो यू कैन स्टे इन द पेरेंट्स रूम। तो हम लोग NICU के पेरेंट्स रूम में थे। ये है यू नो 2 बेड वाले रूम, तो इस रूम पर मैं अनिर्बान थे और उस रात को इवान को हमारे साथ रखा था और बोला था कि अगर उस दिन वो ठीक रहेगा तो लोग अगले दिन उसको डिस्चार्ज कर देंगे। एंड आप लोग के नॉलेज के लिए, ये जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रूम है जो कि काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। ये वॉशरूम दिया था, अटैच वॉशरूम था हमारे साथ। हम लोग इस पेरेंट्स रूम पे फॉर द 2 नाइट्स थे। पेरेंट्स रूम पे इवान को लेके आ रहे थे हमारे साथ उस दिन नाइट स्टे करने के लिए। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि इवान हमारे साथ पहली बार रहने वाला था। सो यस, आई एम सो एक्साइटेड। और मैं बहुत कुछ उससे बात कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। एंड यस, और मैं जो प्रेग्नेंट थी हुई थी वो मैं ड्यूरिंग 2nd wave ऑफ कोविड के टाइम हुई थी। सो मैं जल्दी एक अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का एक ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोग से कि हम लोगों ने कैसे कैसे मैनेज किया था क्योंकि हम लोग यूट्यूब में अकेले थे। गाइस, आपको अगर मेरे ब्लॉग पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।